गुड मॉर्निंग सुमन राय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय ठीक है चलिए शुरू किया जाए चलिए सभी लोग जुड़ जाएँ उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग एक मिनट आगे बढ़ा लें वीडियो को ठीक है चलिए आवाज़ वगैरह प्रॉपर है कोई दिक्कत नहीं है कोई इशू नहीं है चलो ठीक है देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय है देखो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा आपको ना अपने लेवल पर थोड़ा सा रिवीजन करते रहना पड़ेगा सिर्फ एक बार पढ़ा देने से या पढ़ लेने से नहीं होता है आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसको तो जैसे समास पढ़ाया था तो अब तक कम से कम दो एक तो मैंने पढ़ा दिया दूसरी बार कम से कम आपको पढ़ना चाहिए मिनिमम एक बार क्या आपने समास चैप्टर को दोबारा से पढ़ा अच्छे से उसकी टेस्ट को लगाया दोबारा से ठीक है आप देखोगे दोबारा से रिवाइज करके दोबारा से टेस्ट लगाओगे ना तो आपके टेस्ट में नंबर बढ़ जाएंगे मार्क्स बढ़ जाएंगे इसलिए नहीं कि वो टेस्ट के आंसर आपको पता है इसलिए कि आपका कन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर तीसरी बार दोबारा से थ्योरी पढ़ करके दोबारा से टेस्ट लगाओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अभी तक जो है है ना चलिए अभी तक जो है समास का मैंने टेस्ट इस तरह से लाइव में आकर के नहीं लिया जैसे कल उपसर्ग प्रत्यय का लूंगा तो अब पीछे की तरफ बढ़ूंगा उपसर्ग प्रत्यय का लेने के बाद उसके बाद जो वर्णमाला हमने पढ़ाया था वर्णमाला का लेंगे फिर लास्ट में जो है समास का लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग चलेंगे क्लियर है तो आप लोग रिवाइज करो रिवाइज करने से ही कुछ होगा ठीक है रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है बहुत समस्या है ठीक है स्टार्ट करें तो रिवीजन अपने हैंड से करते रहिएगा जितना आप पढ़ते हो उतना तो आप रिवाइज करो ठीक है अगर ऐप से डेली एक घंटे की क्लास लेते हो तो एक घंटा मिनिमम अभी शुरुआत के समय में रिवाइज़ करो और सितंबर से जब दो तीन घंटे पढ़ोगे तो दो घंटे रिवाइज भी आप पर डे करना ठीक है पीछे के चैप्टर्स को पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज़ करो एक बार वीडियो देख लो दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप पीडीएफ के माध्यम से रिवाइज करो रिवाइज करो क्वेश्चंस जो मैंने दिया है टेस्ट में डिजिटल टेस्ट में वहां से लगाओ जो मैं लाइव में बताऊंगा होगा, होगा, ठीक है तो बताऊंगा आपके पास कोई और अन्य बुक है वहां से भी आप लगाना ठीक है तो प्रैक्टिस रुकना चाहिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय है ना चलो लास्ट ईयर का यही हुआ था कि मैंने बहुत ज्यादा आ, बोला नहीं था मुझे लगा था बच्चे खुद कर लेंगे है ना प्रैक्टिस खुद करते रहेंगे रिवाइज खुद करते रहेंगे लेकिन पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया हम हमारे भरोसे थे कि सर आप कब कहोगे रिवाइज करने तो इसलिए इस बार कहते जा रहे हैं कि आप करते जाओ जितना पढ़ो उससे ज़्यादा रिवाइज करो स्टार्ट करते हैं उपसर्ग प्रत्यय है को सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर शब्द का जो रचना है वो किस प्रकार से होता है शब्द वर्ड फॉर्मेशन जो है ना हमारा वर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है इसको यहाँ पर समझते हैं ठीक है वर्ड फॉर्मेशन किस तरह से होता है देखो वर्ड फॉर्मेशन या शब्द रचना की बात करें तो शब्द बनते किसको है या शब्द किसको कहते हैं ठीक है तो एक चीज ध्यान में रखना वर्ण जो होते हैं ना वर्णों का अगर सार्थक समूह लगा दोगे मैंने आपको वर्णमाला वर्णमाला में वर्ण पढ़ा दिया में वर्ण पढ़ा दिया वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वर्णों का जो सार्थक समूह होगा है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे इसको वर्ण बना लो आप ठीक है वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहेंगे वर्णमाला में मैंने वर्ण बता दिया कि वर्ण किसे कहते हैं ठीक है मैंने वर्ण के बारे में बताया मैंने स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण है ना स्वर वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं वर्ण के बारे में बता दिया कि वर्ण किसको कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं है ना स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्णों के मदद के बोला जाए है ना उसे स्वर वर्ण कहते हैं जिसमें दूसरे वर्णों की मदद लेना पड़े उसको व्यंजन कहते हैं सामान्यतः जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें अ वर्ण का इस्तेमाल किया जाता है जैसे क बोलते हैं तो उसमें अ आता है क्लियर है तो आप समझ गए कि वर्ण किसको कहते हैं जब वर्णों का ऐसा समूह बनाएंगे जिससे कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो कोई ना कोई मतलब निकलता हो तो ऐसे ग्रुप को उस वर्णों के ग्रुप को उस वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहेंगे बोलिए कोई दिक्कत है समझने में वर्ण किसको कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं जैसे आपने देखा कि आपका अ आ ई यर्ण था घ वर्ण था जब इन्हीं अ आ ई क ख गो, गो को, अगर मिला दें है ना जैसे एक वर्ण है आपका ह एक वर्ण है ह और दूसरा वर्ण है लो, ये दोनों क्या था वर्ण था लेकिन इनको मिला दिया तो एक यहां पर एक जो ग्रुप ऑफ वर्ण बना इसका एक मीनिंग निकल रहा है इसका मीनिंग है कि भैया हल हल मतलब क्या है खेत जोतने का जो यंत्र होता है जो चीजें होती है जिससे खेत को जुताई किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हल कहते हैं क्या कहते हैं उसको हल कहते हैं जैसे एक देखिए आपका है आ ठीक है आ ये आपका क्या है ये आपका स्वर वर्ण है ये आपका हाँ स्वर वर्ण है अब देखो इस आम में मैंने यहाँ पर व्यंजन वर्ण लगा दिया मो तो यहाँ पर वर्णों का एक ग्रुप बन रहा है कई सारे वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं आप देख रहे हो यहाँ पर स्वर वर्ण है ये दूसरा वाला है अभी मैं दो का लेके ही बता रहा हूं आपको तो ये दोनों वर्ण जब आपस में मिल गए तो इससे एक मीनिंग निकल रहा है वो हो रहा है आपका खाने वाला आम ठीक है मैंगो ठीक है जिसको हम लोग खाते हैं समझ रहे हो ना तो इस जब भी कोई वर्णों का समूह एक से तो ज्यादा ही होगा दो हो चार हो दस हो जब वर्णों का समूह इस तरह से आपस में मिले

तीसरा क्या है योग रूढ़ है ठीक है अब ये क्या बला है भाई आज तक तो यही पढ़ रहे थे कि भैया शब्द होता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं लेकिन ये सर कहां फंसा दिए हमारी गाड़ी को आप कितने कीचड़ में डाल दियो निकल नहीं पा रहे हैं कि रूढ़ किसको कहते हैं यौगिक किसको कहते हैं यौग रूढ़ किसको कहते हैं सर जब आप इतना रायता फैला दिए हो तो इसको समेट ही दो आप अब इसको अच्छे से बता ही दो कि सर क्या होता है ये है ना बहुत पहले पढ़ा था या आज तक नहीं पढ़ा है तो चलिए क्लियर कर देते हैं कि रूढ़ किसको कहते हैं यौगिक किसको कहते हैं और यौग रूढ़ किसको कहते हैं ठीक है कंसेप्ट पढ़ने के बाद पूरा क्लियर होना चाहिए तभी पढ़ो वरना मत पढ़ो ठीक है चलो अब आते हैं रूढ़ के ऊपर ठीक है समझ में आ रहा है रूढ़ के ऊपर आ जाते हैं भैया रूढ़ किसको कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा अब भैया रूढ़ किसको कहेंगे बताइए रूढ़ वर्ड से नहीं लग रहा है आपको रूढ़ नहीं लगता है नहीं कहते तुम बहुत रूढ़ हो यार बहुत रूढ़ हो रूढ़ मतलब समझते हो बहुत भयानक हो किसी का ना सुनता हो है ना बहुत रूढ़ हो एकदम चिल्ला देता है डांट देता है फटकार देता है एक इंच दबने का नाम नहीं लेता टूटने का नाम नहीं लेता है वो टूटेगा ही नहीं दबेगा ही नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जो पूरा रूड होगा है है ना कहते हैं तुम बहुत रूड हो। रूड हो मतलब क्या उसका बिहेवियर काफी सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है वो टूटने को या झुकने को मंजूर नहीं कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं तुम बहुत रूड हो है ना तुम्हारा भाषा बहुत रूड है बड़ा खराब बोलते हो है ना तो बड़ा भयंकर बोलते हो तुम आगे वाले का दिल पे चोट पहुंचाते हो तो वही चीज हो गया रूढ़ मतलब ऐसा चीज जो ना हिले ना डूले ना टूटे ना कुछ ना करे ठीक है उसके साथ आप कोई कंप्रोमाइज कुछ नहीं कर सकते हो वो कंप्रोमाइज करने के लिए बना ही नहीं है ऐसे शब्द को क्या कहेंगे रूढ़ शब्द कहेंगे समझ रहे हो ना कितनों ठोकोगे पीटोगे बदलने का नाम नहीं लेगा ऐसे शब्द को बोलेंगे रूढ़ ठीक है अब बोलो भाई रूढ़ क्या है समझ में आई कुछ बात कहते हैं कि रूढ़ किसको कहा जाता है ऐसा शब्द जिसका आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उनको हम लोग रूढ़ कहते हैं ठीक है देखते हो ना समाज में कुछ आदमी बड़ा अड़ियल होता है वो उसको लगता है कि हमको किसी का जरूरत नहीं है हम अकेले सारा जो हमारी ज़रूरत है हम खुद पूरा करते हैं समझ रहे हो ना और हमको तो कोई तोड़ भी नहीं सकता है तो वही चीज़ है यहाँ पर रूढ़ समझिएगा जब भी रूढ़ आएगा रूढ़ मतलब समझिएगा और रूढ़ व्यक्ति ठीक है ना रूढ़ व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तोड़ नहीं सकते हो तो वही चीज यहां पर है कि जिन शब्दों को आप तोड़ोगे लेकिन तोड़ के भी क्या फायदा जब उसका सार्थक कोई मीनिंग ही ना निकले समझ रहे हो ना तोड़ दिया लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रही है जैसे यहां पर एग्जाम्पल में समझाता हूं चावल है यहां पर देखो चावल अब इसको ऐसे तोड़ा बेचारा दोनों बेकार हो गया चा भी बेकार हो गया वल भी बेकार हो गया क्योंकि दोनों का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है ठीक है समझ रहे हो ना या फिर आपने कर दिया चाव प्लस लॉ कर दिया ठीक है यहाँ पर लॉ कर दिया इस तरह से तोड़ दिया तो क्या इसका कोई मीनिंग निकला है? तो बेकार कर दिया ना आपने अच्छा खासा भला है ना इसकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही थी चावल नाम से जाना जा रहा था बेचारा फिर इसको आपने इस तरह बेरहमी से तोड़ा बेचारा कहीं का नहीं रहा ये समझ रहे हो ना तो रूढ़ शब्द ऐसे ही शब्द होते हैं जिनके आप जो है सार्थक यानी मीनिंग के साथ नहीं तोड़ सकते हो सार्थक टुकड़ा नहीं हो सकता टुकड़ा करोगे बेचारा किसी काम का नहीं रहेगा वो समझ रहे हो ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे और याद रखना वो बनता भी जो है ना तो वो जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो कोई शब्द का मेल से ना बना हो दो तीन शब्द मिल करके ना बना हो ऐसे शब्द को रूढ़ कहते हैं वो ओरिजिनल शब्द होता है भैया एक सिंगल शब्द है उसमें एक दो तीन शब्द नहीं मिला अगर तीन शब्द मिला होता दो शब्द मिला होता तो आप तोड़ते तो उससे शब्द ही बाहर होता ना चूंकि ये एक मूल शब्द होता है अन्य शब्दों से मिलकर के नहीं बना होता है और उसको टुकड़ा करोगे तो फिर सार्थक मीनिंग कैसे निकलेगा 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 ही नहीं समझ रहे हो ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं रूढ़ शब्द कहते हैं तो रूढ़ शब्द एक, एक ऐसा शब्द होता है जो मूल शब्द होता है जो ओरिजिनल शब्द होता है जिसमें एक दो तीन शब्दों से मिलकर के जो ना बना हो जो अन्य शब्दों से मिल करके ना बना हो और जिनके जिन जिनका जो है आप सार्थक टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हो उसी को हम लोग रूढ़ कहते हैं क्या क्लियर है यहां तक क्लियर है तो समझ में आई जैसे चावल हो गया ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो समझ रहे हो ना उसका टुकड़ा करोगे बिल्कुल आपका वो क्या होगा सार्थक नहीं होगा तो वो आपका वो जो शब्द होगा वो रूढ़ कहलाएगा था चावल शब्द जो है यहाँ पर क्या है रूढ़ शब्द है अन्य उदाहरण ले लेते हैं जैसे यहां पर घर है घर घर जो है यहां पर इसका एक मीनिंग निकल रहा है लेकिन जब इसको और रो में तोड़ दोगे ना तो ये क्या कोई मीनिंग निकल रहा है इसका कोई असार्थक टुकड़ा किया किया आपने नहीं किया ना तो ये 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 घर जो है रूढ़ शब्द हो गया उसी तरह से घोड़ा ले लो दिन ले लो है ना कोई भी शब्द जब उसको तोड़ोगे उस तोड़ने के बाद उन दो पार्टों का जब कोई भी मीनिंग ना निकल रहा हो तो बेकार समझ जाना कि वो जो शब्द था वो रूढ़ शब्द था समझ रहे हो ना इतना क्लियर है, इससे नहीं बताना है, इससे नहीं पढ़ना है चलो भूलोगे नहीं इतना है बचपन मतलब से पढ़ रहे हो कंपाउंड यौगिक कंपाउंड यौगिक होता क्या है दो चीजों से मिलके बने हुए चीजों को तो यौगिक कहते हैं ना तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हो जब दो चीज मिलता है ना तभी उसको कंपाउंड कहते हैं तभी उसको यौगिक कहते हैं आपने साइंस में याद किया होगा यौगिक के बारे में तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बना हो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बना हो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं उसको क्या कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं चलिए जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है उसी को ले लेते हैं विज्ञान को है ना तो विज्ञान को अगर देखोगे तो यहाँ पर वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ है समझ रहे हो ना जिसका मतलब होता है है ना है ना यहां पर क्या है वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना हुआ जैसे राजपुत्र का ले लेते हैं राजपुत्र का मतलब क्या है राजा का पुत्र राजा का पुत्र ठीक है अब देखो, यहां पर, अब देखो यहां पर समझ में आ गया जैसे सामाजिक जैसे विद्यालय ले लोगे तो विद्या का आलय विद्या का क्या है घर विद्या का घर हो गया यहां पर विज्ञान में क्या हो गया वी प्लस ज्ञान ठीक है उसी तरह से यहाँ पर राजपुत्र ले लिए तो राजा का पुत्र तो देख रहे हो यहाँ पर दो शब्द मिलकर के बना हुआ है एक तो राजा है दूसरा पुत्र है यहाँ पर एक तो विद्या है दूसरा आलय है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना हो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं चलिए एक और सरदर्द है एक और सरदर्द है हमारा योग रूढ़ अभी ये क्या बला है भैया एक तो रूढ़ समझ लिए यौगिक समझ लिए रूढ़ में ये होता था कि वो जो है उसका सार्थक खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते थे और वो एक से अधिक शब्दों से मिलकर के नहीं बना होता है लेकिन यौगिक की बात करें तो यौगिक में हमने पढ़ा था अभी जस्ट पढ़ा कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बना होता है जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र विद्यालय विद्या का आलय विद्यालय का विद्या का घर विद्या का आलय अब योगरूढ़ शब्द को समझते हैं भैया योगरूढ़ शब्द क्या है ठीक है समझ में आ रही है कोई दिक्कत ठीक है क्लियर है समझ में आ रही है कमेंट करते जाइए समझ में आ रही है तो ठीक है देखो हमने क्या किया इसी यौगिक को ना डिवाइड कर दिया ये जो यौगिक था ना इसको हमने डिवाइड कर दिया अब देखो इसी में दो कैटेगरी बना दिया एक तो इसका जैसे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने हुए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं लेकिन वो वो यौगिक जिनका कुछ विशेष अर्थ निकले जिसका एक खास अर्थ निकले तो उसको हम लोगों ने यौगरूढ़ कह दिया नॉर्मल अर्थ निकल रहा है तो यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए शब्द को यौगिक कहते हैं और दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए शब्द को यौगरूर कहते हैं दोनों का डिफिनेशन सेम है दोनों में अंतर कहां पर है यौगिक शब्द ऐसा शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बना होता है लेकिन इसका मीनिंग जो होता है ना वो सिंपल मीनिंग होता है लेकिन यौगरूढ़ शब्द भी वही चीज होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बना होता है लेकिन इसका जो मीनिंग होता है ना जब ये मिल जाता है तो इसका विशेष मीनिंग निकल जाता है खास मीनिंग निकल जाता है किसी तीसरे की ओर इशारा करता है जैसे बहुबीरही समास में पढ़े थे वही कहानी यहां पर बन रहा है जब दो शब्द आपस में मिल जाए और वो मिलने के बाद बहुब्री समास हो जाए या फिर वो मिलने के बाद जो है विशेष मीनिंग को हमको बयां करे तो उसको हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर पीत जोड़ अंबर हो गया तो ये क्या हो गया पीतांबर हो गया ठीक है लंब जोड़ उदर हो गया तो लंबोदर हो गया दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ लंबोदर कौन होगा लंबा है उधर जिसका किनका उधर लंबा है भाई गणेश जी का तो विशेष मीनिंग आ गया ना आनंद दस, दस प्लस आनंद हो गया लेकिन विशेष मीनिंग निकल रहा है रावण के तरफ इशारा कर रहा है रावण के बारे में कह रहा है नीलकंठ नील कंठ नील से नीलकंठ बन गया लेकिन नीलकंठ कौन है नीलकंठ का विशेष मीनिंग क्या है शंकर जी समझ रहे हो ना पिताम्बर ठीक है वही चीज आगे पीछे हो गया समझ रहे हो ना तो याद रखना यहां पर याद रखना कि जब भी दो या दो शब्द दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे और उसका कोई विशेष मीनिंग निकल रहा होगा है ना तो उसको हम लोग यौगिक ना कह करके यौग रूढ़ कहेंगे रूढ़ का डेफिनेशन ये है एक बार रिवाइज करवा देता हूँ रूढ़ का डेफिनेशन ये है कि रूढ़ जो है वो उसका कभी भी सार्थक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और वो किसी अन्य शब्दों से मिल करके नहीं बना होता है लेकिन यौगिक और योगरूढ़ दोनों का डिफिनेशन में ये हम लोग कहेंगे कि यौगिक या योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल के बने होते हैं यहां तक तो योगी का डेफिनेशन हो गया लेकिन अगर उस शब्द का मीनिंग जो है विशेष कुछ निकलता हो तो वो यौगिक ना हो करके यौगिक का भाई योगरूढ़ हो जाएगा क्लियर है यहां तक क्लियर है अब आओ यौगिक शब्द की रचना को हम लोग तीन प्रकार से कर सकते हैं पहले तो उपसर्ग से कर सकते हैं दूसरा प्रत्यय से कर सकते हैं तीसरा समास से कर सकते हैं चलिए बारी बारी से जानते हैं सबसे पहले आप मुझे बता दो उपसर्ग ही तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग तो यहां पर देखो यही उपसर्ग का जिक्र आ रहा है आप कह रहे हो गे? सर उपसर्ग पढ़ाने गए थे क्या पढ़ा रहे हो तो यहीं से उपसर्ग प्रत्यय का जन्म हो रहा है कि भैया उपसर्ग प्रत्यय क्यों क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि शब्द का निर्माण उपसर्ग प्रत्यय से होता है तो यौगिक शब्द की रचना को हम लोग तीन प्रकार से करते हैं उपसर्ग से प्रत्यय से और समाज से अब उपसर्ग के ऊपर आ जाते हैं जैसे मान लो आपका एक मूल शब्द है यहां पर क्या अंत मूल शब्द है यहां पर अंत आप अंत का मतलब क्या हो गया भैया अंत का मतलब आखिरी लेकिन इसी में आपने एक उपसर्ग लगा दिया उपसर्ग हमेशा आगे लगता है उपसर्ग अति लगा दिया तो अब ये अत्यंत हो गया जिसका मतलब हो गया बहुत जरूरी यानी अंत मतलब क्या था कि जिसका खत्म खात्मा हो रहा फिनिश अंत मतलब क्या आखिरी फिनिश लेकिन अति उपसर्ग लगाने से इसका जो है पूरा मीनिंग बदल गया इसका जो है यहां से क्या हो गया एक नया मीनिंग वाला शब्द बन गया और वो शब्द हो गया अत्यंत अत्यंत मतलब बहुत जरूरी ठीक है दूसरा है भैया एक देखो यहां पर प्रत्यय से कैसे बना सकते हैं यहां पर मूल से शब्द है लेन और इसमें हमने दार लगा दिया तो ये लेनदार हो गया तो ये किस तरह का शब्द हो गया यौगिक शब्द हो गया अब देखो यहां से समाज से भी हम लोग यौगिक बना सकते हैं जैसे देखो समाज से हमको प्रतिदिन यौगिक बनाना है तो हम क्या करेंगे प्रति हमारा मूल शब्द है और दिन भी हमारा मूल शब्द है दोनों मूल शब्द को मिलाने के बाद यहाँ पर हमारा प्रतिदिन बन जाता है तो हमने देखा कि यौगिक बनाने के तीन तरीके हैं उपसर्ग से प्रत्यय से और समाज से तीनों तरीके से बना सकते हैं अब भैया ये उपसर्ग क्या बला है यही हमारा चैप्टर है ना उपसर्ग किसको कहते हैं चलिए उपसर को पढ़ते उपसर किसको कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है कोई परेशानी हो तो बताना ठीक है क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है समझ में आ रहा है ना चलिए बहुत बढ़िया ठीक है झारखंड बीएड एड बिहार बीएड बिहार डीएलएड है ना, सारे में ये जो है ना धाड़ धाड़ के पूछता है आपको चलिए उपसर्ग में आ जाते हैं उपसर्ग की बात करें यहां पर उपसर्ग किसको कहते हैं देखो आंख बंद कर लो और हमारे साथ बोलो उपसर्ग किसको कहते हैं देखो उपसर्ग वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसकी मीनिंग में विशेषता ला देता है या उसकी पूरी मीनिंग को बदल देता है ऐसे ही शब्दांश को जो उस शब्द के आगे लग रहा है उसको हम लोग उपसर्ग कहेंगे क्लियर है फिर से एक बार उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग करके उसकी पूरी मीनिंग को बदल देता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं किसको कहते हैं भाई किसको उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग करके शब्दांश मतलब शब्द का छोटा सा अंश किसके आगे लग रहा है किसी शब्द के आगे लग रहा है तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो 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 किसी उपसर्ग उपसर्ग है है वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लग करके और उसकी पूरी मीनिंग को बदल देता है उसकी पूरी मीनिंग में विशेषता ला देता है ऐसे ही छोटे से वो उस शब्दांश को वो जो शब्दांश हुआ छोटा सा जो अंश जिसको हमने आगे लगाया उसको उपसर्ग कहेंगे ना कि पूरा शब्द को उपसर्ग कहेंगे उपसर्ग किसको कहते हैं उपसर्ग वह छोटा सा शब्द होता है या, या वह छोटा सा शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के ओरिजिनल शब्द के आगे लगता है और आगे लगने के बाद उस पूरे वर्ड की मीनिंग को बदल देता है ऐसे ही मूल शब्दांश को ऐसा ही जो शब्दांश होता है जो आगे लग रहा था उसी को वही छोटा सा शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहेंगे ध्यान में रखिएगा कभी नहीं भूलना है चलिए अब आते हैं हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं जैसे देखो यहां पर मैं बात करूं अगर यहां पर यह हार है एक वर्ड है हार है ना कहते हैं ना तुम हार गए हो तुम हार गए हो तो हार का मतलब क्या हो गया भैया पराजय हार जाना है ना कितना अच्छा वर्ड है है ना हार मतलब नेगेटिव वर्ड है कि भैया हार रहे हो तुम ठीक है हारना जो है यहां पर कहीं ना कहीं दिखा रहा है आप पीछे जा रहे हो लेकिन इसमें हमने एक जादू यहां पर मारा जादू था हमारा क्या प्रो प्रो हमने उपसर्ग लगा दिया अब इसी हार में प्रो उपसर्ग लगाने के बाद अब जो नया वर्ड हमारा बना वो नया वर्ड हमारा हो गया प्रहार क्या हो गया भैया प्रहार हो गया प्रहार का मतलब क्या होता है प्रहार का मतलब होता है अटैक करना चोट पहुंचाना तो यहां पर ये जो हार है मेरा मूल शब्द था और प्रो हमने उपसर्ग लगाया जिसके कारण पूरा वर्ड बदल गया पूरा शब्द बदल गया अब हमारा प्रहार बन चुका है और मीनिंग देखो कितना बदल गया हार मतलब हार रहे थे प्रहार मतलब अटैक कर रहे हो ठीक है तो पूरी मीनिंग में विशेषता ला दिया या बदल दिया ऐसे ही छोटे छोटे उस शब्दांश को हम लोग उपसर्ग कहेंगे कोई दिक्कत ठीक है चलिए आगे चलें कोई परेशानी कुछ भी कुछ नहीं बहुत बढ़िया चलिए कोई दिक्कत चलिए अब देखो उपसर्ग को हम लोग समझ लेते हैं उपसर्ग को हम लोग कितने भागों में विभाजित करते हैं देखो तो उपसर्ग को मेनली हम लोग तीन भाग में विभाजित करके पढ़ते हैं जिसमें से एक तो संस्कृत का उपसर्ग हो जाता है दूसरा हिंदी का उपसर्ग और तीसरा जो है उर्दू का उपसर्ग संस्कृत हिंदी और उर्दू का जिसमें संस्कृत में से जो उपसर्गों की संख्या है वो बाईस है संस्कृत में टोटल 22 ऐसे उपसर्ग हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग वर्ड की मीनिंग को बदलते रहते हैं हिंदी की बात करें तो हिंदी में मात्र तेरह उपसर्ग हैं उर्दू की बात करें यानी अरबी और फारसी को फारसी को मिला दें तो इनके उपसर्गों की संख्या जो है उन्नीस होती तो बहुत ज़्यादा नहीं है उपसर्ग उपसर्ग लिमिटेड है जैसे संस्कृत में 22 हिंदी में 13 और उर्दू में यानी अरबी फारसी को अगर मिला के भी बोलें तो उर्दू के अंदर में आपको जो है 19 उपसर्ग हैं ठीक है उन्नीस उपसर्ग हैं चलिए आइए बारी बारी से जानते हैं कि वो संस्कृत के बाईस कौन कौन से हैं है, है ना तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पर ये तो आपने जान लिया है ना ना इसके बारे में है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं आगे अब हम आ जाते हैं संस्कृत के उपसर्ग को देखो कितना अच्छा लग रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है ना चलिए संस्कृत के उपसर्ग को समझते हैं देखो संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो यहां पर आपका जो है क्लियर है हाँ. तो यहां पर अगर संस्कृत के उन बाईस उपसर्ग को अगर हम देखें तो हमने क्या है हाँ ना चलिए फिलहाल तो हम पंद्रह लेके आए हैं इन पंद्रह को देखते हैं इसमें से देखते हैं आ उपसर्ग है यहां पर क्या है एक आ उपसर्ग है ठीक है आ उपसर्ग है ठीक है अब देखो आ का मतलब होता है उल्टा या तक जहां जहां पर आ लग जाए वहां वहां आप समझ जाना मोस्ट ऑफ द केसेस में उल्टा या तक होगा इसकी मीनिंग जैसे आगमन आजनम ठीक है आजनम जन्म तक आगमन ठीक है समझ रहे हो ना तो ये आ उपसर्ग लगने से बना जैसे अप यहां पर उपसर्ग है इसका मतलब होता है बुरा या फिन हीन जहां जहां लगेगा उसकी मीनिंग को या तो बुरा या हीन बताएगा जैसे अपकार ठीक है अनु अनु जो है ये इसका मतलब होता है पीछे ठीक है अनुपसर्ग जैसे अनुज मतलब छोटा ठीक है अनुचर अनुगामी ठीक है जो आपके पीछे पीछे चल रहा अनुगामी अति उपसर्ग लगने से देखो अति का मतलब होता है अधिक तो जैसे अत्यंत हो गया अति उपसर्ग लगने से आपका यहाँ पर अत्यंत हो गया अत्युत्तम हो गया यानी अत्यधिक उत्तम ठीक है जब भी अति लग जाए तो समझ जाना इसका मतलब होता है अधिक उसी तरह से अ उपसर्ग जो है अ का मतलब नहीं ठीक है जहां पर लग जाएगा उसकी मीनिंग को नहीं लाएगा जैसे पठित मतलब पढ़ा हुआ लेकिन अ लगा दिए तो अब अपठित हो गया मतलब नहीं पढ़ा हुआ ठीक है पढ़ा हुआ नहीं उसी तरह से दे मतलब देना और दे मतलब जो नहीं दिया गया ठीक है उसी तरह से औ औ का मतलब होता है बुरा या फिर नीचे लेकिन इसी में अगर हम गुण गुण के आगे औ लगा दिए तो गुण मतलब क्या था अच्छा गुण अवगुण मतलब हो गया बुरा गुण ठीक है बुरा गुण है ना उसी तरह से अवनति है ना अवनति मतलब क्या हो गया भैया यानी नीचे जा रहे हो उन्नति नहीं कर रहे हो अवनती कर रहे हो नीचे जा रहे हो ठीक मतलब है इसका मतलब हुआ ऊपर की ओर जब जहां लगेगा तो ये ऊपर की ओर वाला फीलिंग देगा उत्कर्ष ठीक है आप जो है ऊपर की ओर जा रहे हो उत्कर्ष हो रहे हो उन्नति आपका कहीं ना कहीं उन्नति हो रहा ऊपर की ओर जा रहे हो आप ठीक है प्रोग्रेस कर रहे हो ठीक है चलो कुछ और भी देख लेते हैं जैसे यहां पर बात करें उपसर्ग की उपसर्ग की तो कु का मतलब होता है आपका निंदनीय क्या होता है निंदनीय निंदनीय की बात करें तो यहाँ पर जैसे कुमार्ग है कुमार्ग कु मतलब निंदनीय या फिर खराब कह सकते हो खराब ठीक है खराब खराब भी कह सकते हो निंदनीय भी कह सकते हो कुमार्ग मतलब खराब मार्ग ठीक है कुकर्म मतलब खराब कर्म यानी निंदनीय कर्म निंदा करने वाला काम कुप्रथा तो ऐसी प्रथा जिसका निंदनीय हो जो अच्छी ना हो जिसकी जिस जो निंदनीय हो जो बुरा हो है ना वो प्रथा को कु प्रथा कहते मतलब खराब ठीक है मतलब खराब दुह।, दुह दुह मतलब जो है यहाँ पर हो गया कठिन या फिर बुरा जैसे दुर्बल है ना दुर्गम दुर्दशा है ना बुरा दशा निह मतलब क्या रहित जैसे निर्बल बिना बल के ठीक है बल रहित निर्धन धन रहित बिना धन के ठीक है प्रो प्रो जो है यहां पर हो गया आपका अतिशय या फिर बुरा का बोध कराएगा जैसे प्रबल ठीक है प्रदेश प्रभाव वहीं पर वी की बात करें तो यहां पर अंश या फिर अतिशय का मतलब वी का मतलब अंश या अतिशय हो जाता है जहां जहां वी लगेगा जैसे वियोग हो गया वियोग ठीक है एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग ठीक है संयोग मतलब जुड़ना वियोग मतलब टूटना विनम्र विनम्र ठीक है विभाग ये सब के सब जो है आपका वी के अंदर में आ गया अब आते हैं यहां पर सौ सौ की बात करें तो एक ही या एक सा हो जाता है 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 जैसे सवर्ण ना सु सु का मतलब होता अच्छा ठीक है? जैसे सुगंध सु अवसर सुगंध मतलब अच्छा गंध पहले गंध था लेकिन सु उपसर्ग लगा दिए तो अच्छा गंध हो गया अवसर था सु लगा दिए तो सु उपसर्ग लग गया तो ये क्या हो गया सु अवसर हो गया यानी एक अच्छा अवसर परा परा उपसर्ग है पहचानने के लिए आपको एग्जाम में क्या बोलेगा पहचानने के लिए जैसे बोलेगा कि ये जो पराजय वर्ड है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है ए बी सी डी चार ऑप्शन दे दिया आप कहोगे सर जी पराजय में अजय जो है इसका मूल शब्द है और इसमें परा उपसर्ग लग गया तो ये पराजय हो गया ठीक है उसी तरह से प्राभाव में प्राभाव में बोलेगा कि कौन सा है तो प्रा है ठीक है ये पहचानने के लिए बोलता है अब जाते हैं हिंदी का देख लेते हैं हम लोग लगे हाथ हिंदी का ठीक है हिंदी का देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग में अगर बात करें तो उपसर्ग यहां पर हिंदी का उपसर्ग है अ का मतलब होता है निषेध मतलब मना करना नहीं मतलब क्या नहीं ठीक है जिसे बोलेंगे आपको अथाह ठीक, ठीक है जो वर्जित ना हो क्या हो गया अवर्जित वर, ठीक है अ लगने से सीधा उसमें नहीं का फीलिंग आता है अन्न अन्न का मतलब होता है रहित ठीक है जैसे अनजान है ना मतलब जान रहित जिसके बारे में आप नहीं जानते हो वो आपके लिए क्या हो गया अनजान हो गया तो अन जो वर्ड हो गया ये हमेशा ऐसा चीज का फीलिंग कराएगा ऐसी चीज की ओर ले जाएगा इसका मतलब कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हो रहित हो सहित मतलब जिसको जानते हो और रहित मतलब जिसको नहीं जानते हो अनजान अनमोल ठीक है अनमोल ठीक है समझ रहे हो ना जिसका कोई मोल ना हो वो क्या हो गया अनमोल हो गया ठीक है चलो अध अध जो है ये आधा का इसका मतलब होता है आधा और जैसे अध मरा, मरा अध मरा मरा यानी यानी आधा आधा हुआ पका पका हुआ ठीक है मतलब यहां पर का मतलब भी हीन होगा ठीक है हीन ठीक है जैसे औगुण ठीक है अब देखिए यहां पर नेक्स्ट है आपका उन का मतलब होता है एक कम ठीक है जैसे उनसठ मतलब साठ में क्या हो गया एक कम साठ में एक कम हुआ तो क्या हो गया उनसठ उन लगाने से एक कम का फीलिंग आएगा जैसे उनतीस क्या हो गया ठीक है में में क्या मतलब तीस में एक कम तीस में एक कम यही ना उनतीस हुआ तो जब भी उन लगेगा तो एक कम ठीक है अब देखो तो नी उपसर्ग लग जहां जहां लगेगा वहां पर रहित का आएगा रहित वाला देखो अन लगने से भी रहित होगा जैसे अनजान तो यहां पर क्या हो गया जान रहित जिसको आप नहीं जानते हो नी लगने से भी रहित होगा जैसे नी डर डर रहित जिसको डर ना हो निकम्मा जो किसी काम का ना हो काम रहित ठीक है निकम्मा इसके अलावा देखो भर यहां पर उपसर्ग है भर भर का मतलब होता है पूरा भर का मतलब क्या होता है पूरा अब देखो यहां पर भरपेट या फिर भरपूर हो गया ठीक है भरपेट मतलब पेट भर के ठीक है सु सु का मतलब हो गया श्रेष्ठ सर का मतलब हो गया श्रेष्ठ इसकी बात करें तो जैसे यहां पर देखोगे सुपुत्र या सुपुत्री सुपुत्र मतलब क्या, तो पुत्र पुत्र क्या गुण है क्या विशेषता है सु है वो यानी श्रेष्ठ है अच्छा है अच्छा बेटा है ठीक है अच्छी बेटी है मधु मधु का मतलब मीठा या फिर मस्ती ठीक है अब देखो मधु में मधुशाला ठीक है यहाँ पर सह सह का मतलब साथ जैसे सहयोगी साथ में काम करने वाला सह पाठी साथ में पढ़ने वाला पाठी मतलब पढ़ने वाला सह लगा दिए तो साथ में पढ़ने वाला अब उर्दू के कुछ उपसर्ग को जान लेते हैं जैसे देखो कम कम का मतलब होता है थोड़ा जैसे कहेगा कमजोर यानी जिसमें थोड़ा जोर है कम कीमत जिसकी कीमत कम हो खुश खुश मतलब क्या अच्छा ठीक है अब देखो जैसे बोलेंगे खुश दिल मतलब अच्छा दिल दिल काफी खुश है खुश किस्मत, यानी अच्छी किस्मत वाला गैर गैर मतलब होता है भिन्न है ना जैसे गैर हाजिर है ना बोलता है सोनू कुमार तो उधर से दूसरा बच्चा बोला गैर हाजिर सर मतलब हाजिर नहीं है वो ठीक है वो भिन्न मतलब क्या गैर मतलब भिन्न भिन्न मतलब क्या जो अलग हो ठीक है जो हाजिर ना हो गैर सरकारी ठीक है जो सरकारी ना हो ना ना का होता है अभाव जैसे कि नाराज नापसंद ना लायक ब से देखो अनुसार जैसे बदसूरत बाइलाज है ना बद से बुरा बद का मतलब बुरा होता है जैसे बदबू बू मतलब होता है है ना स्मेल अब बद मतलब खराब तो बदबू मतलब हो गया खराब स्मेल ठीक है बदनाम जिसका नाम जो है बुरा हो नाम खराब हो गया हो वो बदनाम कहलाता है जैसे बदसूरत जिसकी सूरत अच्छी ना हो उसको क्या कहते हैं जिसकी सूरत बुरी हो या सूरत बुरा हो तो उसको हम लोग बदसूरत कहते हैं उसी तरह से बा, बा लगने के का मीनिंग होता है साथ जैसे बोलेंगे बाकायदा मतलब कायदा के साथ ठीक है बदनाम ठीक है बदनाम ठीक है तो यहां पर क्या हो गया है उसी तरह से बदसूरत ठीक है यहां पर दो जो है ना ऊपर वाला कॉपी हो गया है आप इसको छोड़ के चलना ये वाला देख रहे हो एज इट एज इट इज यहां से थोड़ी सी डाटा ऑपरेटर से मिस्टेक हो गई है ठीक है आप इसको नहीं पढ़ना पीडीएफ में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हैं अब आ जाते आठवें नंबर पर बे।, बे मतलब बिना जैसे देखे बेकायदा है ना बेतमीज बेईमान बे देखो ला ला उपसर्ग लगाने से मीनिंग में बिना का फीलिंग आता है जैसे लावारिस एक तो वारिस था मतलब बेटा था लावारिस मतलब जिसका कोई वारिस ना हो वारिश का मतलब हो जाता है यहाँ पर माँ बाप ठीक है लावारिस मतलब जिसका कोई माँ बाप ना हो लाइलाज इलाज मतलब क्या होता है इलाज करना लाइलाज का मतलब क्या हो गया जिसका कोई इलाज ना हो इलाज के बिना हो है ना लापता है ना कहते हैं लाइलाज बीमारी हो गई तो ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो ठीक है लापता जिसका कोई पता नहीं हो जो पता के बिना हो सर मतलब मुख्य जैसे सरदार सरताज सरपंच जो पंचों में मुख्य हो सरदार जो जितने सारे दार है उसमें मुख्य हो हम हम का मतलब होता है सम जैसे हम राह तो राह के साथ हम सफर सफर के साथ हम दर्द जो दर्द के साथ हो ठीक है अच्छा हर हर में होता है प्रत्येक इसको आप साथ भी लिख सकते हो साथ ठीक है हर प्रत्येक जैसे हर रोज यानी प्रत्येक दिन हर माह प्रत्येक माह हर साल यानी क्या होता है प्रत्येक साल ठीक है तो हर जो है हर जो है ये आपका उपसर्ग है और हर रोज अगर बोलेंगे हर माह अगर बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया प्रत्येक दिन अब आइए यहाँ पर प्रत्येक को समझते हैं उपसर्ग को समझ लिया अब थोड़ा सा प्रत्येक को समझते हैं देखो इसकी जितना आप जो है ना क्वेश्चन लगाओगे ना आज मैं टेस्ट लाइव कर दूंगा डिजिटल टेस्ट आप इसको पढ़ देना एक बार एक बार रिवाइज कर लेना फिर डिजिटल टेस्ट भी आप दे देना इस क्लास के बाद जैसे वीडियो अवेलेबल होगी एक दो घंटे के बाद आप समझो एक घंटे के अंदर आपको डिजिटल टेस्ट को लाइव कर देंगे लेकिन आप तुरंत टेस्ट मत लगाना आप इसको एक बार अपने से खुद से पढ़ना ठीक है ना समझना उसके बाद टेस्ट लगाना क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है कौन सा प्रत्यय लगा है वो आप तभी कर पाओगे ना जब इसको कई बार रिवाइज करोगे एक बार कम से कम जरूर करना होगा प्रतियय देखो क्या होता है प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसकी मीनिंग को बदलता है ये जो है हमेशा कहाँ लगता है पीछे लगता है उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, है और ये हमेशा पीछे लगता है पीछे झुक करके उसकी पूरी मीनिंग में परिवर्तन ला देता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं उपसर्ग समझ गए तो प्रतियय में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उपसर्ग आगे लगता था और प्रत्यय पीछे लगता है जैसे दयालु हो गया तो मूल शब्द हमारा दया है लेकिन आलू इसमें क्या हो गया प्रत्यय लग गया तो इसका मीनिंग जो है अब देखो बदल गया है ठीक है दया से अब ये दयालु हो गया यानी वो व्यक्ति जिसके पास क्या है दया हो ठीक है अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना जैसे प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता प्रत्यय का कोई भी अर्थ अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है परत का जैसे कोई भी जैसे यहाँ आलू है है ना आलू ये खाने वाला आलू नहीं है ये एक अलग आलू है तो आलू का कोई अपना अर्थ नहीं होता और इसका जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता जा लेकिन हमने उपसर्ग में देखा कि उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है अब देखो परतीय जो है दो तरह के होता है एक होता है कृत प्रत्यय दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ठीक है दो प्रत्यय होता है क्रित और तद्धित प्रत्यय इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या होता है ये क्रित और तद्धित ठीक है क्लियर है आवाज वगैरह आ रही है कृत और तद्धित प्रत्यय ठीक है ये दो प्रत्यय का आपका प्रकार होता है क्रित प्रत्यय किसको कहते हैं गौर से समझिएगा कृत प्रत्यय कैसा प्रत्यय होता है ये क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं ना ये जो कृत प्रत्यय होता है ये क्रिया का मूल रूप में जोड़ा जाता है ना? क्रिया या धातु के अंत में लगता है ये कहां पर लगता है क्रिया या धातु के अंत में या धातु के अंत में ये लगेगा सीधा सीधा जो मेरा लिखा हुआ है उसको आप पढ़िएगा है ना कि क्रिया या धातु के अंत में लगता है कौन कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है जबकि इसकी बात करें तो ये क्रिया को के मूल रूप को छोड़ के अन्य शब्दों के साथ लगता है यानी यह आपका संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है यह आपका किसके साथ लगेगा संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अभी समझाऊंगा कि क्या चीज है आप आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है के साथ लगता है क्या मतलब है इसका के साथ लगता है देखिए यहां पर मैंने लिखा कि जो कृत प्रत्यय है प्रत्यय दो तरह का होता है कृत एक तद्धित प्रत्यय तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होता है जो क्रिया या धातु के साथ लगता है जहां जहां पर क्रिया होगा उसके साथ जो प्रत्यय लगेगा वो आपका कृत प्रत्यय होगा जहां जहां पर कोई नाम होगा या उस नाम के जगह पर कुछ यूज हो रहा है जैसे वह है ना जैसे संज्ञा के बदले जो यूज होता है उसको सर्वनाम कहते हैं ना तो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो चाहे उस संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला विशेषण होगा तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण

ध्यान में रखिएगा कृत प्रत्यय में ठीक है इससे बने शब्द जो है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं जबकि इससे बने हुए जो शब्द हैं वो क्या होते हैं तद्धितांत शब्द कहलाते हैं इससे जो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द होगा उस शब्द को इससे बने शब्द को कृत प्रत्यय कहते हैं कृत्ति कहते हैं इसको कृत नहीं कह के कृतांत कहते हैं ना कृतांत कहते हैं यहां पर लिख लो आप कृतांत इसको इसको कृतांत कहते इसको कहते है कहते हैं तद्धितांत तद्धितांत जैसे अगर देखो यहाँ पर क्या है लिख है और इसमें अक प्रत्यय लगा दिया तो लेखक बन गया ठीक है लिख मतलब क्या है ये आपका क्या है क्रिया है क्रिया है और इसमें आपने ये अक प्रत्यय जो कि कृत प्रत्यय था इसको लगा दिया तो लेखक हो गया जैसे यहाँ सेठ है

चलिए यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब थोड़ा सा और इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा और ठीक है जैसे आप एक तरफ ले लो यहां पर धातु या क्रिया हालांकि जगह उतनी नहीं है पेज भी नहीं ले सकते इसमें हम धातु अब्लिक क्रिया ठीक है धातु अब्लिक क्रिया अब देखो यहां पर एक धातु मैं ले, ले लेता हूं जैसे यहां पर देखो एक धातु है गाना एक धातु हमने ले लिया गाना ठीक है अब देखो इसमें इसमें जो है हमने क्या किया एक वाचक यानी एक हमने प्रत्यय लगा दिया वाचक कह लो या प्रत्यय कह लो हमने इसमें वाला लगा दिया ठीक है गाना था हमने वाला लगा दिया अब नया शब्द जो है वो क्या बन गया गाने वाला बन गया क्या बन गया गाने वाला बन गया ठीक है उसी तरह से यहां पर मान लो होन शब्द था ठीक है और इसमें हमने हार लगा दिया तो अब क्या हो गया होनाहार हो गया उसी तरह से मान लो विद्ध शब्द था विद्ध विद्ध है ना और हमने इसमें मान लगा दिया तो क्या हो गया विद्यमान हो गया ठीक है मैं इसको अच्छे से लिख करके आपको पीडीएफ में अटैच कर दूंगा नीचे से पीडीएफ में लगा दूंगा आप बस समझ जाओ वहीं पर बात करें अगर हम लोग इसके बारे में तद्धित प्रत्यय के बारे में तो इसमें जैसे तद्धित प्रत्यय में एक एग्जाम्पल है जैसे अक् आपका क्या है तद्धित प्रत्यय है अब देखो इसमें एक संज्ञा लगा दिया शिक्षा सि अख प्रत्यय था हमने शिक्षा लगा दिया तो ये क्या हो गया शिक्षक हो गया आप कहोगे सर जी पीछे लगेगा ना हाँ भाई पीछे लगेगा लेकिन ये हमने आगे लिख करके आपको बता दिया कि भाई ये शिक्षक हो जाएगा उसी तरह से मान लो यहाँ पर जो है आपका आ, कर्म है जैसे कर्म जो है आपका क्या है यहाँ पर आपका है कर्म ठीक है कर्म एक संज्ञा है अब इसमें हमने ठो प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया कर्मठ हो गया कर्मठ हो गया ये सब मैं अच्छे से लिख करके आपको पीडीएफ में अटैच कर दूंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा तो एक चीज पता चला कि प्रत्यय का कोई मीनिंग नहीं होता है और प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसकी मीनिंग को बदल देता है उपसर्ग हमेशा आगे लगता है उपसर्ग कितने कितने तरह के थे हिंदी में संस्कृत में उर्दू में वो हमने देख लिया उन उपसर्गों से मिल करके जो बने हुए शब्द थे है ना जो शब्द मिल करके बने थे है ना देखो किस तरह से उपसर्ग से किस तरह से मिलकर एक नया शब्द बना तो यही चीज पहचानने के लिए बोलेगा जैसे बोल देगा कि ये बताइए जो आपका अवगुण ओग, है इसमें कौन सा ये तो खैर आसान है ये आसान है अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भरपेट में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है तो आंसर क्या होगा भर लगा हुआ ये भी आसान है पहचानना थोड़ा और डिफिकल्ट में चलते हैं है ना थोड़ा और डिफिकल्ट में चलते हैं जैसे यहाँ पर कहेगा आपको आ, उर्दू का है ना उर्दू में पहचानना आसान है संस्कृत में चलो आप संस्कृत वाले में हाँ यहाँ पर आ जाओ यहां पर जैसे कह देगा कि आ में आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है तो आंसर क्या होगा आ उपसर्ग लगा हुआ है उसी तरह से कहेगा अनुचर में कौन सा उपसर्ग लगा फंस गए अब अनुचर में है ना तो ये क्या होगा अन लगा देगा अनु लिख देगा है ना अनु लिख देगा तो आंसर क्या होगा उपसर्ग हो जाएगा उसी तरह से यही चीज आपको बस पहचानना है ये चीज पहचान लिए ना फिर आसान हो जाएगा इससे भी हल्का अगर पूछेगा तो उपसर्ग प्रत्यय का मीनिंग पूछ सकता है कि भैया कौन ऐसा शब्द है कौन ऐसा चीज है जो पीछे लगता है उपसर्ग है कि प्रत्यय है ठीक है तो यही याद रखना और बाकी आपको प्रत्यय के दो प्रकार है कृत प्रत्यय प्रतियत प्रत्यय कृत प्रत्यय हमेशा जो है ये कृति प्रत्यय का प्रकार हुआ जो हमेशा जो है पीछे लगता है ठीक है शब्द जो आ, मतलब क्रिया के पीछे लगता है तो कृत प्रत्यय और तद्धित के पीछे मैं देखना ना आपको पीडीएफ में अटैच करूंगा ना तो इसके नीचे मैं पेन से लिख करके बहुत अच्छे से बना करके आपको दे दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर दूंगा ठीक है ताकि आपको जो है पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत नहीं हो ठीक है बाकी बताइए क्लास कैसे लगा मुझे तो पर्सनली पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आया ठीक है और आप लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे थे धैर्य के साथ तो मज़ा आता है ना पढ़ाने में तो चलो इसका आप रिवाइज कर लेना मैं डिजिटल टेस्ट लगा दूंगा और कल इसका जो है मैंने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा है कल इसका टेस्ट लेते हैं देखो हिंदी में बहुत ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है हिंदी में अगर मुझे लगता है कि कितना भी पढ़ोगे कितना भी पढ़ोगे तो पंद्रह चैप्टर से ज़्यादा दस चैप्टर से ज़्यादा नहीं है ठीक है क्या पढ़ोगे समास है ना जो आपके एग्जाम में आता है समास आता है वर्णमाला आता है समास आता है उपसर्ग प्रत्यय आता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आता है पर्यायवाची आता है विपरीतार्थक शब्द आता है इसके अलावा मैं बात करूँ तो रस छंद अलंकार तीन अलग अलग चैप्टर उसमें बना लेंगे तो तीन उधर हो जाएगा मिला करके दस बारह में बारह जाते जाते तो दम तोड़ देता है हिंदी में जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या फायदा है? सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के भागेंगे हम लोग है ना तो प्रैक्टिस भी तो जरूरी है तो डिजिटल टेस्ट दे दिया लेकिन समय हमारे पास बहुत है यही अगर हम नवंबर दिसंबर में शुरू करते तो सिर्फ डिजिटल टेस्ट कराते हमने कहा भी था कि सिर्फ डिजिटल टेस्ट कराएंगे आपको लेकिन जहां जहां संभव जैसे हिंदी में ना काफी मजा भी आता है और हिंदी में थोड़ा प्रैक्टिस ना करें तो पकड़ नहीं पाओगे आप तो इसीलिए मैं आपके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा थोड़ा आप भी सीख जाओगे थोड़ा मैं भी आपसे सीख जाऊंगा ठीक है तो ये मजा आएगा बाकी आ, देखो जीके के जी में बहुत सारे चैप्टर हैं बहुत तो उसमें जब समय नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग टेस्ट ना लगा करके डिजिटल टेस्ट के माध्यम से आप कर लोगे देखो आसान है जैसे कहेंगे मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत की कि? अगर मैंने थ्योरी में बता दिया है कि मनसबदारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत जो है अकबर ने किया है तो उसका आंसर अकबर ही होगा उसमें कोई ट्रिक नहीं है कोई विश्लेषण की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है ठीक है जैसे अगर मैंने बता दिया पॉलिटी के अंदर में कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है अगर आंसर आ गया निम्नलिखित में, में से किस देश का संविधान लिखित संविधान है तो आंसर में भारत रहेगा ऑप्शन में तो भारत ही होगा उसमें कोई अलग से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है हाँ लोकोक्ति है मुहावरा है लोकोक्ति है लेकिन हिंदी के अंदर में थोड़ा सा विश्लेषण की जरूरत पड़ती है कि भैया कौन सा लगा है क्यों लगा है कैसे लगा है इसीलिए मुझे लग रहा है हिंदी में हम लोग लाइव आकर के टेस्ट लगाएंगे डिजिटल के साथ साथ लेकिन और जीके जीएस में खास करके बाकी रीजनिंग इंग्लिश जो भी अलग फैकल्टीज मेरे द्वारा आएंगे मे मतलब मेरे बाद जो फैकल्टी आएंगे वो आपको लाइव ही लेंगे जैसे रीजनिंग का देखो डिजिटल में नहीं हो पाएगा रीजनिंग ठीक है हालांकि मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा लेकिन सारे चैप्टर डिजिटल में रीजनिंग में नहीं करेंगे रीजनिंग जो भी फैकल्टी पढ़ाएगा वो थ्योरी पढ़ाएगा वो अपना टेस्ट भी आपसे खुद ही लेगा लाइव भी आकर के आपके सामने सॉल्व कर करके आपको बताएगा ठीक है आप भी सॉल्व करना जहां फंसोगे तो वो खुद आपको सॉल्व करके देगा वहाँ डिजिटल नहीं होगा डिजिटल आपका जो मेरा सब्जेक्ट है पर्सनली उसमें सारे में डिजिटल में आपको करवा दूंगा ठीक है हिंदी करवा दूंगा जैसे जीके जी एस का जो होगा वो मैं करवा दूंगा ठीक है बाकी इंग्लिश वगैरह हो गया इसका हो गया मैं करवाऊंगा डिजिटल लेकिन चैप्टर वाइज डिजिटल ना करके आप अच्छा है कि टीचर से आप टेस्ट लगाओ तो ज्यादा अच्छा है ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अब जो हिंदी पढ़ेंगे वो पीछे से हम लोग टेस्ट लगाएंगे कल टेस्ट लगेगी आखिरी दिन है कल दो दिन हिंदी होती है तो कल टेस्ट लगेगी बाकी अगले सप्ताह में भी जो हमने पढ़ रखा है उसका टेस्ट लगाएंगे फिर उसके अगले सप्ताह में कुछ नया चैप्टर को शुरू करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं फिर अगली क्लास में जय हिंद